तो आपल्या देशातल्या लोकशाहीच्या बद्दल लोकशाही जिवंत राहणार की नाही याबद्दलचा असेल। आणि सर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये एकूणच सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं उघड नागड राजकारण हे त्यांनी त्याची पूर्णपणे चिरफाड केलेली आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपाल महोदयांची जी भूमिका होती ती संशयास्पद, आता त्या संशयास्पद म्हणायला सुद्धा काही अर्थ राहिलेला नाही, ती सरळ सरळ अयोग्य होती। आणि एकूणच राज्यपालांच्या भूमिकेचं सुद्धा वस्त्ररण झालेलं आहे, मग ते दिल्लीच्या बाबतीत असेल इथल्या बाबतीत असेल। आणि राज्यपाल ही यंत्रणा ही एक आतापर्यंत आदरयुक्त अशी यंत्रणा होती, पण राज्यपाल यंत्रणेचे धिंडोळे ज्या पद्धतीने शासनकर्ते काढतायत ते बघितल्यानंतर आता याच्यापुढे राज्यपाल यंत्रणा ही अस्तित्वात ठेवावी की नाही हा सुद्धा एक मोठा विचार मला असं वाटतं सर्वोच्च न्यायालयापुढे आपल्याला घ्यायला पाहिजे। का मखल उड़ाया, उसके बाद सवाल उठ गया कि क्या इस तरह की यंत्रणा यानी कि ये जो राज्यपाल की व्यवस्था उसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। उद्धव ठाकरे कहें कि राज्यपाल को अधिवेशन बुलाने का कोई अधिकार नहीं था, अपात्रतेचा निर्णय हा त्यांनी अध्यक्षांवरती जरी सोपवला असला तरी पक्षादेश हा त्यावेळेचा जो पक्ष म्हणजे माजी शिवसेना त्या शिवसेनेचाच राहील। निलंबन का फैसला भले ही अध्यक्ष पर सौंप दिया है अध्यक्ष महोदयांना सुद्धा, लेकिन पार्टी का जो फैसला था लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा याच्यासाठी आम्ही आता मागणी तर करू, वो अबाध रहेगा। तो अब जो है अध्यक्ष को इसमें ज्यादा समय नहीं व्यतीत करते हुए तुरंत इस पर फैसला लेना चाहिए। करी रहा हूँ और लड़ाई तो आज, लेकिन एक भाग हुआ। अब नीतीश कुमार जी आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। जला शुभ शकुन असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है, और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर पूरे आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार करेगी। बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया और आज जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही है, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आज आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। अब तो उन्होंने खुद ही बता ही दिया है। और किसी भी प्रकार से एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम को कैसे कोई बदल सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ है और कितना ज्यादा काम होता रहा है, पहले से काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथी, हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा। कि कोई कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए, कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है,
समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हो, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक साथ मिलकर के काम करेंगी और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बात हम लोगों की होती रहती आ ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। सर अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का, विचार तो एक ही है ना भाई, देश के हित में काम करेंगे। पूरी तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे। तो ये सब चीजों के लिए करेगा, इन लोग को अपना कर रहे हैं ना इन लोग का। तो आप सुन रहे हैं नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे साथ साथ बैठे हैं, विपक्ष की जो एकता की मुहिम है उस कोशिश में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की।